एवरीवन तो कुछ दिनों पहले मुझे ताबीज फ्लेवर से ये पी आर पैकेज रिसीव हुआ था किसी भी होम बेस्ड बिजनेस की इतनी आला पैकिंग होना एक प्लस पॉइंट होता है वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन पैकिंग में तो इन्होंने ऑन ले लिए इनके पास मेन्यू में क्या क्या है वो मैं अपनी स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी इनने मुझे क्या सेंड किया पहले आप वो देख लें मी मेन टू आइटम्स द फर्स्ट वन वॉज बनाना ब्रेड चाय के साथ कुछ खाने को ना हो तो इंसान के चाय पीने का दिल ही नहीं करता एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वॉज एक्सट्रीमलीमी और इसका टेस्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस था दूसरी मेन चीज जो उन्होंने मुझे भेजी वो इनकी नान खताई थी जब मैंने अपने अब जान को ये नान खताई टेस्ट कराई तो ही वो लाई की ये कौन सी बेकरी की है एंड ही वो लिटरली शॉक कि कोई घर में भी इतनी अच्छी नान खताई बना सकता है किसी भी कंपनी की स्टोर पैकेट वाली नान खताई में और इस फ्रेशली ब्रेक नान खताई में जमीन आसमान का फर्क है किसी भी छोटे या बड़े इवेंट के लिए आपने इनके मेन्यू में से कोई भी चीज बनवानी है तो इनका इंस्टाग्राम पेज मैंने कैप्शन में मैंशन कर दिया है वहाँ जाकर आप इनसे बात कर सकते हैं अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आप अपने ऑर्डर को खुद भी पे कर सकते हैं और इसके अलावा ये होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं और आप में से किसी ने भी इनका कोई भी फूड आइटम ट्राई किया तो मुझे जरूर बताना कि आपको कैसा लगा तो भाई मुझे तो आप लोग दें इजाजत क्योंकि मैं खाने वाली हूँ बनाना ब्रेड चाय में डिबो डिबो के खैराज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नेक्स्ट रिव्यू वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज